Good morning, friends. Today I am going to present the chapter 2 of CNC as prescribed by HSBT, Haryana State Board of Technical Education. The chapter 2 is basically about construction and tooling of CNC machine. It goes deep into inside of the CNC machines. Now, because we have learned in first chapter that NC, CNC, DNC is a part of a bigger term which is known as CNC. हम CNC कहते हैं तो अभी तक शायद आपका confusion clear हो चुका होगा कि NC में जब computer जोड़ दिया जाए then it becomes a CNC. और CNC कई सारी multiple CNC को अगर एक mainframe computer से join किया जाए then it becomes a DNC. तो हम CNC एक general term लेते हैं तो उसकी construction and tooling अब हम इसको describe करेंगे. So the contents of this chapter I have divided into two parts. पहले part में जो आज का lecture होगा उसमें design features, special mechanical design features, specification chart of typical CNC machines, type of slideway, balls, rollers, motor servo stepper, access drive ये लूँगा. Second chapter में हम lead screws, swarf removal, safety and guarding devices, various cutting tools and automatic tool changer ATC इसमें लिया जाएगा. तो दोस्तों बात करें design feature. So why अभी तक हम workshop technology के subject पढ़ते आए हैं तो workshop technology में हमने किसी का भी design feature नहीं पढ़ा है. Why we are studying here in CNC? Because there is some particular difference. कुछ ऐसा difference है जिसकी वजह से हमें इसके कुछ special mechanical design features करने पड़ते हैं. इसी वजह से हमें स्टडी करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टडी स्पेसिफिकेशन चार्ट, एक टिपिकल चार्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्लाइडवे वगैरह क्या होते हैं और उसके बाद एक्सिस ड्राइव. सो लेट अस स्टडी व्हाई डिजाइन स्पेशल डिजाइन फीचर्स. अगर हम बात करें सीएनसी की, ये हमारा चार नंबर का क्वेश्चन भी आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कटिंग कटिंग कटिंग. 75% टू 90% ऑफ द टाइम वी आर कटिंग. सो नेचुरली मशीन के ऊपर भी लोड पड़ेगा, उसके आसपास जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो उसको होल्ड कर रहा है, उसका बेस है, हर एक चीज के ऊपर लोड पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई वी नीड ए स्पेशल डिजाइन फीचर. सेकंड इज एक्सेसिव प्रेशर ऑफ टूल ऑन वर्कपीस. आप कहेंगे जी मैं तो नॉर्मल मशीन के ऊपर भी एक्सेसिव प्रेशर लगाता हूँ. नो, दैट इज नॉट द केस. बिकॉज इन सीएनसी वी नो दैट सीएनसी इज वेरी कॉस्टली मशीन. सो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द, ऐसा हो कि टूल भी बचा रहे और हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन निकले. सो दैट कि हम उसकी जो कॉस्ट है वो रिकवर करने कर सके. दैट्स व्हाई वी पुट एक्सेसिव लोड ऑन टूल बिफोर ब्रेकिंग. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उसको तोड़ना ही है हमने, तो तोड़ने से मैक्सिमम जितना, तोड़ने से पहले पहले जितना लोड डाल सकते हैं वो उसके ऊपर लोड डालते हैं. यूजेस ऑफ हाई स्पीड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड. Deformation of CNC parts due to thermal effect. Now this, agar if it is cutting for the 75 or 90% of the time, there is thermal effect. आपको ने study भी किया होगा कि tool और job के बीच में एक heat HAZ होता है, heat affected zone होता है. तो वो जो होता है वो transfer होता है tool को और tool से CNC parts को. तो उसकी deformation भी होने के chances हैं. और जब deformation होगी तो naturally उसकी जो आपकी एक्यूरेसी है वो खराब हो जाएगी. नॉइज एंड वाइब्रेशंस, दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल इन सीएनसी मशीन्स. एंड फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडवेज. आप नॉर्मल मशीन में स्लाइडवे, आप व्हील घुमा रहे हैं नहीं चल रहा उसको जोर लगा देंगे, लेकिन सीएनसी में क्योंकि ऑटोमेटिक है उसने अपने आप चलाना है. अगर फ्रिक्शन होगा तो जहां उसने 5 मिलीमीटर जाना है वो 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर चलेगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड स्पेशल डिजाइन फीचर. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं. एक टॉरस है, मिलिंग मशीन है, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं. तो आप देखिए कुछ पर्टिकुलर अपने दिमाग में सोचिए. अगर मैं आपको पेपर में एक 10 नंबर का क्वेश्चन देता हूं कि आप मुझे एक सीएनसी लेथ मशीन की स्पेसिफिकेशन दीजिए या सीएनसी मिलिंग मशीन की, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि मिलिंग मशीन होती है तो उसका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है, लाइक दैट. तो इसके कुछ एक्स एक्सिस ट्रेवल 3048 मिलीमीटर, वाई एक्सिस ट्रेवल, आपको ये याद नहीं करने, बट यू हैव टू नो कि व्हाट पैरामीटर्स यू हैव टू स्पेसिफाई. एक्स वाई जेड ट्रेवल, स्पेस बिटवीन कॉलम्स, वर्क साइज, वर्केबल साइज एल इनटू डब्ल्यू उसका कितना है, एक्स वाई जी मैक्सिमम फीड रेट कितना है, ए एक्सिस टिप वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सी एक्सिस टिप कितना है, कंटिन्यूस है,
ए एंड सी एक्सिस पोजीशनिंग पीक टॉर्क, ये टॉर्क उसने बताया हुआ है, मिलिंग स्पिंडल ये है, और लीनियर एक्यूरेसी कितनी कितनी आती है वो एक स्पेसिफिकेशन बताई हुई है कि प्लस माइनस 0.005 है, प्लस माइनस 0.006, हर एक एक्सिस का लीनियर एक्यूरेसी उसने बतानी है. सो व्हाट आर द स्पेशल डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी? अब हमने रीजन समझ लिए कि क्यों हमें चाहिए और होने क्या चाहिए, वो हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज हाई स्टैटिक स्टिफनेस. हाई स्टैटिक स्टिफनेस दैट मीन्स कि द लार्ज स्टैटिक स्टिफनेस वुड अलाउ फॉर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट अंडर द ऑपरेटिव लोड ऑफ मशीन टूल. मशीन ऑपरेट हो रही है तो उसके ऊपर वाइब्रेशंस आ रही हैं. जब वाइब्रेशन आ रही है दैट मीन्स उसको ये नहीं है कि वो खुद डिफ्लेक्ट होने लग जाए, नहीं, उसको स्टैटिक रहना है. तो इस तरह की उसके अंदर स्टिफनेस होनी चाहिए. एंड सेकेंड इज स्टिफनेस टू वेट रेशियो. ऐसा नहीं है कि स्टिफनेस बढ़ाने के लिए हमें वेट भी उसका बढ़ जाए. वेट जब बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. टू अचीव बेटर डायनेमिक रिस्पॉन्स, अगर वो वेट वाला मैं मशीन हैवी कर देता हूँ स्टिफ हो जाती है, लेकिन मशीन जब हैवी हो जाती है तो मान लो उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन आती है तो उसका डायनेमिक रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि वेट उसका बहुत ज्यादा होता है. तो वेट भी उसका हमें कम रखना है. एंड थर्ड इज कास्ट आयरन बेस. नॉर्मली हम कास्ट आयरन क्यों रहते हैं? क्योंकि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है. लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा कास्ट आयरन भी स्पेशल टाइप का होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे. एक नंबर का क्वेश्चन भी 2-3 बार आया हुआ है. कास्ट आयरन इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टिफनेस एंड लो वेट. कास्ट आयरन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द नेसेसरी मटेरियल क्रैम्पिंग टू रिड्यूस द वाइब्रेशन विच इज एसेंशियल फॉर लार्ज मटेरियल रिमूवर रेट एंड स्पीड मशीनिंग. तो आपको पता ही है कास्ट आयरन वैसे ज्यादातर बेड कास्ट आयरन होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेशल तरह का हम यूज करेंगे. यूज्ड कंक्रीट एज बेड मटेरियल. अब इसमें बेड भी, बेड के अंदर भी कंक्रीट भर दिया जाता है या उसको डैम्पिंग के लिए अलग से लगा दिया जाता है. एंड स्पेशल डिजाइन फीचर में ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बैकलैश एंड स्टिक स्लिप मोशन ये नहीं होने चाहिए. बैकलैश इज कि आप कुछ नट और स्क्रू को असेंबल कर रहे हैं तो एक साइड में अगर 2 मिलीमीटर की मूवमेंट के लिए 2 चक्कर लगते हैं तो दूसरी साइड में मान लो उसके 3 चक्कर लगते हैं 2 मिलीमीटर की मूवमेंट के, दैट इज नोन एज बैकलैश. सो बैकलैश को हम जनरल टर्म में क्या कहेंगे, इसके 2 नंबर की डेफिनेशन भी आती है पेपर में. तो बैकलैश इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ मेटिंग पार्ट्स. तो जब उसमें प्ले होगा तो ये बैकलैश का कंसेप्ट आएगा. स्टिक स्लिप मोशन कि आप किसी स्लाइडवे को मूव कर रहे हैं तो कभी तो वो स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, और कभी एकदम से स्लिप कर जाती है. तो ऐसी स्टिक स्लिप नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर मूवमेंट होनी चाहिए. ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीएनसी. इसमें देखिए यहाँ पे ये कास्ट आयरन मशीन बेड है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और इसके नीचे कॉन्क्रीट का इस तरह से करना चाहिए सो दैट ये एक सीटिंग इस तरह से बना देनी चाहिए सो दैट कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर आ जाए. नाउ मशीन स्ट्रक्चर अब कैसा होना चाहिए, ये हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं. लोड कैरिंग एंड सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द मशीन. मशीन स्ट्रक्चर जो लोड कैरिंग और सपोर्टिंग मेंबर होना चाहिए ये आपको पता ही है, जो सबसे नीचे होता है हैवीएस्ट पार्ट. सब्जेक्टेड टू स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड. स्टैटिक मीन्स रुके हुए और डायनेमिक मीन्स जो मूवमेंट में है मशीन जब ऑपरेट कर रही है. स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफॉर्म एंड वाइब्रेट अंडर द लोड बियॉन्ड लिमिट. लोड अगर कोई ज्यादा भी डाल देता है तब भी उसको डिफॉर्म नहीं होना, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए. अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, अब इसके लिए 2 हमें चीजों पे ध्यान देना होता है. फर्स्ट इज मेन स्ट्रक्चर और आगे दूसरा हम पढ़ेंगे. मेन स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या करना है, देखिए कुछ इसमें करेक्शंस हम कर रहे हैं जो नॉर्मल हम मशीनों से ज्यादा करते हैं. प्रोवाइडिंग ए करेक्टली डिजाइंड माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर हैविंग हायर स्टिफनेस. अब यहाँ पे कास्ट आयरन के बजाय हम स्ट्रक्चर जो है जो नीचे वाला है वो तो हम कास्ट आयरन यूज करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हम स्टील स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसकी की स्टिफनेस हाई हो. देन सेकेंड इज यूज ऑफ रिब्स एंड ब्रेसेस एंड एंगल प्लेट्स. रिब्स ब्रेसेस एंगल प्लेट्स, इंग्लिश में आपको पता होगा रिब्स क्या होता है, जो बॉडी की पसलियां होती हैं, ठीक है, जो ये पसलियां होती हैं, ये क्या करती हैं, दिस मेक्स पोजीशन टू द जो आपकी बॉडी है उसको एक पोजीशन पे रखती हैं, एक शेप बना के रखती हैं. तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के साइड में छोटी छोटी आयरन की रॉड्स को वेल्ड कर देते हैं सो दैट अगर बॉडी डिफॉर्म होए
तो वो उसको रोक के रखे। इसी तरह से साइडों में ब्रेसेस, जैसे आपके दांतों में ब्रेसेस होते हैं, उसी तरह से एंगल प्लेट साइडों में चारों तरफ एंगल प्लेट भी लगाए जा सकते हैं। तो एंगल प्लेट्स ये क्या करते हैं, उनकी स्टिफनेस को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने दिखाया था एंटायर फ्रेम, उसका अगर आपका टेढ़ा है तो उसके नीचे कुछ इस तरह का लगाया जाए कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाए। देन फोर्थ इज हॉलो क्रॉस सेक्शंस फॉर बेड बेसिस, इसलिए फॉर openings for inspection, lubrication and collection of chip collants. Bed are made of special cast iron. देखिए यहाँ पढ़ रही है special cast iron FG260IS for ये better damping capacity. इसके लिए आपको bed जो है वो इस तरह का होना चाहिए, जो ये cast iron FG260IS ये आपको use करते हैं ज्यादातर उसके लिए। तो मेन स्ट्रक्चर में मैंने बताया, अगर मेन स्ट्रक्चर का आपके पास क्वेश्चन आता है चार नंबर का कि आपने क्या करना है, तो आप कहेंगे कि उसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो आईसी स्ट्रक्चर होगा, रिब्स और ब्रेसेस होंगे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, हॉलो क्रॉस सेक्शन यूज करने की कोशिश करेंगे। फिर अब देखिए इसमें थर्मोसिमेट्रिकल डिजाइन स्ट्रक्चर, थर्मोसिमेट्रिकल मीन्स कि इस तरह से हो कि हीट जो है वो प्रॉपरली चारों तरफ से एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट हो। अब यहाँ पे देखिए ये टूल है, यहाँ पे टूल वाले एरिया में थोड़ा हीट ज्यादा हो रही है लेकिन नीचे वाले पोर्शन में हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। तो जब ये इफेक्ट ऑफ हीट होगा तो ये इस तरह का इसकी एक्सपेंशन अनइवन होगी, जब अनइवन एक्सपेंशन होगी तो आपके टूल की इनएक्यूरेसी हो जाएगी, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। लार्ज हीट रिमूविंग एरिया एंड एयर कंडीशनिंग, आपको चाहिए कि इसके साथ रिब्स लगाएं, कुछ इस तरह से बॉडी के ऊपर कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगाएं जिससे कि उसको हीट रिमूविंग एरिया मिले, और एयर कंडीशनिंग तो सीएनसी के लिए आजकल जरूरी है ही है। स्पिंडल डिजाइन, अगर हम स्पिंडल देखें, स्पिंडल मींस जो रोटरी पार्ट है हमारा, लेथ के केस में जॉब रोटेट करती है, और जो हमारा ये होता है ड्रिलिंग मशीन उसमें टूल रोटेट करता है, तो स्पिंडल भी इसके लिए थोड़े स्पेशल चाहिए। यहाँ पे देखिए स्पिंडल के भी चारों तरफ एक अलग से जगह बनाई है जहां पे कूलेंट नोजल से कूलेंट पास किया जाए सो दैट उसका टूल गर्म ना हो, स्पिंडल डिजाइन भी स्पेशल होता है। तो पहली बात आई मेन स्ट्रक्चर, अब दूसरी बात आ जाती है स्लाइडवेज एंड गाइडवेज। गाइडवेज आर यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ कैरेज एंड द टेबल ऑन विच इज वर्कपीस टूल इज हेल्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एब्जॉर्ब ऑल स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्सेस। अब जो गाइडवेज है वो जॉब को या टूल को आगे पीछे घुमाना, कैरेज को आगे पीछे घुमाना, सो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर इसने स्टैटिक और डायनेमिक फोर्सेस को एब्जॉर्ब करना है दे शुड बी वियर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसने मूवमेंट लेनी है, रिलेटिव मोशन लेनी है, तो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको एक को हिला रहे हैं तो वो पूरे के पूरे तीन चार हिल गए हैं। एंड विदाउट स्टिक स्लिप मोशन आई हैव एक्सप्लेन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी सीएनसी मशीन है जिसका एक डेमो का फोटो मैंने दिखाया, क्या है इसमें टेबल है या कैरेज है जिसको मूव करना है, ये बॉल स्क्रू है, छोटा सा स्क्रू है, इसको डिटेल में भी हम दिखाएंगे आपको, और इसके यहाँ पे साइड में गाइडवेज है, ये गाइडवेज है जिसके ऊपर ये टेबल इस तरह से मूव करता है, ठीक है। गाइडवेज एंटी फ्रिक्शन गाइडवेज होने चाहिए सीएनसी मशीन में, रीजन बता दिया स्टिक स्लिप मोशन और बैकलैश नहीं होना चाहिए, ड्यू टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इम्प्रूव स्मूथनेस रिड्यूस अमाउंट ऑफ वियर एंड हीट जनरेशन, ये सारों को हटाने के लिए हमें गाइडवेज जो होते हैं एंटी फ्रिक्शन होने चाहिए, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं कि स्टिक स्लिप मोशन को हटाने के लिए मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट भी हम रोक देते हैं इसमें, तो करना क्या होता है हमने, इट शुड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ टेबल ऑन विच टूल और वर्क इज हेल्ड टू एब्जॉर्ब ऑल स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये उसकी कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूँ। साइज एंड शेप ऑफ वर्क प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट एंड ज्योमेट्रिक एंड काइनेमेटिक एक्यूरेसी ऑफ गाइडवेज। अब गाइडवेज हमारे एक्यूरेट भी होने चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब वो एक्यूरेसी होगी तो नेचुरली उनकी मूवमेंट होगी, अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी तो वो लोड होंगे, फ्रिक्शन होगी, हीट होगी, एवरीथिंग विल बी देयर। स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म, फ्लैटनेस एरर इन गाइडवे रिजल्ट इन ट्रैकिंग एरर, अलाइनमेंट ऑफ गाइडवे टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल इज क्रिटिकल, वियर इन गाइडवेज इज नॉट नीडेड, स्पीड वेरी फ्रॉम 20 मिलीमीटर, मतलब ये स्पीड छोटी नहीं है, सीएनसी के केस में तो ज्यादा है और मैनुअल के केस में ये और भी ज्यादा है, 20 मिलीमीटर पर मिनट ये स्पीड है
और स्पीड ऐसी है, ये कॉन्टिन्यूसली स्पीड चलती है, ऐसा नहीं होता कि 2 मिलीमीटर चले फिर रुक गए, 2 मिलीमीटर चले लग, ये कॉन्टिन्यूस होती है। तो देर आर टाइप ऑफ स्लाइड वे, तीन तरह के हम स्लाइड वे हम कहते हैं। फर्स्ट इज फ्रिक्शन स्लाइड वे, जो हम नॉर्मली मशीनों में देखते भी हैं लेकिन यहाँ थोड़े एक्यूरेट टाइप के होते हैं। सेकेंड इज एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वे, जिसमें नॉन कॉन्टेक्ट, यहाँ पे सीएनसी के केस में नॉन कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। थर्ड इज एंटी रेजिस्टेंस, एंटी वियर रेजिस्टेंट है एक्चुअली ये, एंटी वियर रेजिस्टेंस स्लाइड वेज। एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन गाइड वे आपने देखे भी हुए हैं, वी गाइड वे जो सेल्फ अलाइनिंग होते हैं, फ्लैट गाइड वे बेटर लोड बीयरिंग कैपेबिलिटी के लिए, डवटेल, डवटेल आपने देखा होगा जैसे एक बतख की पूंछ जैसी होती है, कंपैक्ट होती है, आपने वर्कशॉप में इनके वो जॉब्स भी बनाई होंगी। एंड सिलिंड्रिकल गाइड वे आइडियल फॉर शॉर्टर ट्रैवर्सेस, उनके लिए होती है। तो फ्रिक्शन वाले ज्यादातर सीएनसी में यूज नहीं होते हैं। सो लेट अस कम टू द एंटी फ्रिक्शन और नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट में हमारे तीन तरह की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक, सेकेंड इज एयर लेयर, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक। एयर लेयर को हम एरोडायनेमिक भी कहते हैं। फर्स्ट टू टाइप्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री, मैग्नेटिक बियरिंग आर स्टिल इन डेवलपमेंट। मैग्नेटिक वाली जो है अभी वो डेवलपमेंट में है, लेकिन ज्यादातर पहली दो ही यूज होती है। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक में देखा जाए, हाइड्रोस्टैटिक में एयर और ऑयल इज पंप, ये आप डायग्राम से देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा। इसमें क्या होता है कि एक जो नीचे वाली है उसके ऊपर, अगर ऊपर वाला स्लाइड घूम रही है, नीचे स्लाइड वे है, स्लाइड वे के ऊपर या गाइड गाइड है और गाइड वे के ऊपर चल रही है, सैडल चल रहा है या कोई भी आपका टेबल मूव कर रहा है, तो उनके बीच में एयर या ऑयल पंप कर दिया जाता है। सो दैट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। द प्रेशर ऑफ फ्लूड ग्रेजुअली रिड्यूसेस टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एज इट स्वीप्स आउट फ्रॉम द पॉकेट्स थ्रू द गैप बिटवीन स्लाइड एंड गाइड वेज। तो बेसिकली देखा जाए तो एक प्रेशराइज फ्लूड क्या करता है, बीयरिंग को ऊपर तैरने के लिए मजबूर कर देता है। इट फ्लोट्स, फ्लोट्स बेसिकली एक कॉन्टेक्ट नहीं होता है। द मेन एडवांटेज इज देयर एबिलिटी टू हैंडल वेरी हैवी लोड विदाउट जनरेटिंग द फ्रिक्शन। आप देखिए यहाँ पे, आप ये डायग्राम से देखिए तो ये ऊपर लोड है जो आपका स्लाइड है जो मूव कर रहा है, नीचे आपका स्लाइड वे है। अब इसमें एक तरफ ध्यान रखिए कि एक साइड का वी है और एक साइड का फ्लैट है, ये कंफिग्रेशन होता है नॉर्मली, एक साइड का वी होता है और दूसरी साइड का फ्लैट होता है। नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर डाला जा रहा है, तो जैसे इसके ऊपर ये क्रॉस मूव करेगा, तो क्रॉस मूव करेगा तो यहाँ पे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट कम होगा, उसकी बजाय ये फ्लूड की एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव करेगी, तो दैट मीन्स इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एरोस्टेटिक में यहाँ पे क्या है, वहां पे लिक्विड होता था, यहाँ पे एक एयर, कंप्रेस्ड एयर डाल दी जाती है। द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस टाइप इज लो स्टिफनेस विद लिमिट्स इज यूज फॉर पोजिशनिंग एप्लीकेशन। CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के लिए यूज होती है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये एरोस्टेटिक वाले ज्यादा यूज होते हैं। नॉर्मल मशीन सीएनसी मशीन में हाइड्रोलिक वाले यूज किए जाते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग्स आर द न्यूएस्ट ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक में क्या होता है, एक मैग्नेट का सिग्नल बनता है, ऊपर आपकी जो चल रही होती है एरे होती है जो मैग्नेटाइज की डायरेक्शन, आपने आगे मूव करना या पीछे मूव करना, तो नीचे कॉइल्स होती हैं जो उसको मूव करने के लिए सिग्नल देती हैं, तो मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटाइज करके उसको मूवमेंट देते हैं। लेकिन ये अभी बहुत कॉस्टली है एंड इट इज वेरी फार अवेयर फ्रॉम वाइड स्प्रेड यूज, अभी कॉमनली ये यूज नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज एंटी फ्रिक्शन। अभी हमने बात की थी कि जो हमारी यूज होती थी फ्लूड वाली, यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन में क्या है, यहाँ पे हम उनकी जगह पे यूज कर रहे हैं कुछ रीसर्कुलेटिंग बाल या बाल बीयरिंग या फिर रोलर बीयरिंग। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, आप देखिए ऊपर वाली और नीचे वाली के बीच में हम फ्लूड की बजाय यहाँ पे बाल बीयरिंग या फिर रोलर बीयरिंग को बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि जो आपका सरफेस कॉन्टेक्ट है, सरफेस कॉन्टेक्ट कन्वर्ट्स इंटू ए पॉइंट कॉन्टेक्ट और लाइन कॉन्टेक्ट, तो उससे ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन कम हो जाता है। एंटी वियर, अब क्योंकि ये स्लाइड वेज जो है हमें थोड़ी फ्रिक्शन लेस भी चाहिए और वियर भी नहीं होना चाहिए, तो इनको हम चार तरीकों से रोक लेते हैं। वो तरीके क्या है, फर्स्ट इज फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग मीन्स कि नीचे वाली को फ्लेम हार्डनिंग करते हैं, फ्लेम लगाते हैं, फ्लेम के ऊपर पानी से
उसको हार्ड कर देते हैं, तो सो दैट वो सरफेस जो है वो घिसेगी नहीं। इंडक्शन हार्डनिंग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन से उसको हैमर करके और उसको हार्ड कर देते हैं। फास्टनिंग हार्ड सरफेस या कोई ऐसी नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर एक छोटी सी पत्ती लगा देते हैं जो कि हार्ड होगी, या फिर एक सरफेस कोटिंग होती है विचार, इसका नाम याद रखिए पॉली टेट्रा फ्लोरा इथाइलिन PTFE, शायद आपने मेटल एंड मेटलर्जी में भी पढ़ा होगा। तो ये PTFE की लेयर लगा दी जाती है। ये इसके दो कारण होते हैं, एक तो ये घिसती नहीं है और दूसरा ये फ्रिक्शन लेस भी होती है। जो आपने अपनी घर के अंदर आयरन होती है, प्रेसिंग आयरन होती है, उसमें भी नीचे लगी होती है तो वहां पर भी यूज होती है। सो फ्रेंड एंटी फ्रिक्शन गाइडवेज हैं, ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। मैकेनिकल ट्रांसमिशन हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। ये रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, ये रोटरी मोशन को लीनियर में कन्वर्ट करता है। आपका स्क्रू जो है वो मूव कर रहा है गोल गोल और उसके बीच में बॉल्स चल रही हैं। बॉल्स ऐसे हैं रीसर्कुलेट हो रही हैं। इसका मैं मैकेनिज्म देखूंगा आपके लिए, मैकेनिज्म का एनिमेशन कहीं से ढूंढूंगा तो वो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिए और फिर हम इसको डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे बॉल स्क्रू मैकेनिज्म को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टुडे।